हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज सानवी शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग कुछ अलग तरीके से मैं करने वाली हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक पहले समझ लीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं रीडिंग कुछ इस तरह से करूंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी, जैसे कि एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और हम उनके हार्ट चक्रा से, ग्रीन कैंडल ली है मैंने, उनके हार्ट चक्रा से डायरेक्टली हम वाइब्रेशंस पिक करेंगे। एंड आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, तब तक मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ। आप अपने पार्टनर के साथ तभी कनेक्ट कर पाएंगे। डीप ब्रीदिंग कीजिए और इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझने के लिए, जज्बातों को बहुत अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन्स लगाकर अगर आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको फील होगी। ओके, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरी जिंदगी में जो मैंने फैसला लिया जिससे कि हम दोनों एक सेपरेशन के जोन में आ गए, वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। और इस चीज की रियलाइजेशन मुझे दिन रात होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दुख देकर मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूं या मैं अपने जीवन को खुशी खुशी जी पा रहा हूं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मेरे कर्मों का हिसाब साथ के साथ ही कर दिया है। ईश्वर मुझे मेरे कर्मों की सजा यहीं पर दे रहे हैं। मैं बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा हूं। तुम्हें दूर से लगता होगा कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, मैं अपने जीवन को स्टेबल बना पा रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी में इमोशनल स्टेबिलिटी तो चलो है ही नहीं, लेकिन जिंदगी के बाकी स्पेयर्स में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। करियर की टर्म्स में बहुत ज्यादा वीक हो गया हूँ। जितना मेरा पोटेंशियल है, मैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर पाता हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि मैं इस रिश्ते को भुला चुका हूं, मैं तुम्हें भुला चुका हूं, पर मेरे आखिरी सांस तक मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। जिस वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, उस टाइम पर मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि एक ऐसा दौर भी हम दोनों के बीच में आ जाएगा जहां पर अपनी बात कहने के लिए मुझे इतना सोचना पड़ेगा। मैं कई बार ऐसा भी लगता होगा कि अगर इतना ही प्यार करता हूं तुमसे,
तो तुमसे आकर चीजें क्यों नहीं कहता हूं, नहीं कह सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी को स्टेबल बनाने के लिए पहले मेरी जिंदगी खुद में स्टेबल होनी चाहिए, और मेरी जिंदगी में किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी अभी नहीं है। मेरी जिंदगी में मैं एक बहुत ही रफ दौर से गुजर रहा हूं। जिंदगी उलझती चली जा रही है। मुझे पता है तुम्हारा साथ मुझे जीवन की हर एक खुशी दे सकता है, लेकिन इस साथ को अब पा लेना उतना आसान भी नहीं है, ये बात भी मैं समझ पा रहा हूं। इस साथ को पाने के लिए मुझे तुम्हारे विश्वास को दोबारा से जीतना होगा, और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे अपनी जिंदगी सुलझा लेनी चाहिए, उसके बाद ही मैं इस रिश्ते को सुलझा पाऊंगा। इसीलिए तुमसे डायरेक्टली बात नहीं करता हूं, बट कभी कभी तुम्हारे बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि एक बार तुम्हें कॉल कर लूं या मैसेज कर लूं, फिर वही डर मेरे अंदर दोबारा पनपने लगता है और मैं तुम्हें स्टॉक करने लगता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं स्टॉक करता हूँ, तुम ही मेरे पीछे पीछे नहीं भाग रही थी, पर अब मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, तुमने बहुत इमोशंस जताने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इतना मैं कैसे बहक गया था, किस तरह से मैं अपने जीवन में इतने गलत फैसले बना बैठा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। जिंदगी ना तो पहले कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, ना आज उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी अगर मैंने सही फैसले अपनी जिंदगी में बनाए होते। जिन चीजों को मैं अपनी प्रायोरिटी मानता था, वो चीजें तो सब मटेरियलिस्टिक थी, एक्चुअल प्रायोरिटी तो तुम ही मेरी होनी चाहिए थी। पता नहीं इस उलझन से कभी निकल भी पाऊंगा या नहीं, कि सिर्फ तुम्हारे साथ जीने के ये सपने ही देखते जाऊंगा। डर लगता है तुम्हें हमेशा के लिए खोने से, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ प्लानिंग बनाता ही रह जाऊं और तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं कि उसके बाद तुम कभी मेरा साथ देने के लिए तैयार ही ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें खोने का डर नहीं है मेरे अंदर? सिर्फ एक यही तो डर है मेरे अंदर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मुझे उम्मीद है कि कभी तो तुम मेरे इस दर्द को समझोगे, क्योंकि मैं बहक सकता हूं लेकिन तुम कभी नहीं बहक सकते हो। तुमने मुझसे सेल्फलेस लव किया है, तुमने कभी इस प्यार में अपने बारे में सोचा ही नहीं, पहले भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा करते थे, और आज भी मुझे पता है तुम मेरे लिए तड़पती हो, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें मुझे सपनों में भी नजर आती हैं। मैं डरता हूं इस चीज से कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा और उसके बाद हम दोनों एक सेम पेज पर नहीं आ पाएंगे। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरी जो लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, शायद ऐसी चीजें तुमने भी कभी पहले महसूस नहीं की हैं। शायद तुमने भी अपनी लाइफ में कभी ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं एक ऐसे दौराहे पर खड़ा हूं जहां पर चाहता तो हूं कि तुम्हारी तरफ बढ़ जाऊं, एक पल बिना सोचे तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाऊं, लेकिन फिर लगता है कि ये जो दूसरा रास्ता है, ये ना चाहते हुए भी मुझे चूज करना पड़ेगा, क्योंकि
जिंदगी में बहुत सारा मेस शायद मैंने खुद ही क्रिएट कर लिया है। जिंदगी में जब तुम्हारा और मेरा रिश्ता उलझ रहा था ना, तब मैं सही रास्ते चूज नहीं कर पाया। तुम्हें मेरा गुस्से से बोलना बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन सच ये है कि अगर मैं तुमसे बहुत प्यार से बात करूंगा ना, तुम्हारी उम्मीदें मुझसे बहुत हाई हो जाएंगी, और मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा भी उतर पाऊंगा कि नहीं। इसलिए मैं कोई झूठी उम्मीदें तुम्हें अभी नहीं देना चाहता हूं, पर हाँ मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम्हारी हेल्प एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम्हारा साथ एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा प्यार है ना, वो बहुत पवित्र है। मुझे तो जब मैं तुमसे अलग हुआ, तब इस प्यार की रियलाइजेशन होने लगी कि तुम मेरे लिए क्या कुछ कर रहे थे। लेकिन अब मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं अपने इमोशंस को शब्दों में नहीं परो सकता हूं, नहीं तो मुझे एक झूठे और धोखेबाज का टैग मिल जाएगा। ऑलरेडी तुम मुझे धोखेबाज समझते हो, फिर तो वो टैग तुम पक्का ही मुझ पर लगा दोगी। मेरे हालात देखने में तुम्हें बहुत नॉर्मल लगते होंगे, पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तरसता हूं मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए भी, रातों को नींद नहीं आती है, सोचता रहता हूँ कि कब चीजें बदलेंगी, कब सिचुएशन जीवन के अंदर नॉर्मल होगी। फिर कभी कभी ये भी डर सताता है, कहीं तुमने मुझे इतना ज्यादा गलत समझ लिया तो तुम अपने जीवन में से मेरा नामो निशान ही मिटा दोगे, तुम किसी और को अपने जीवन में मेरी जगह दे दोगे। ऐसा जब सोचता हूँ ना, तो कई कई रातें जागते हुए निकलती हैं। वो थॉट्स मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि मैं अपने करियर पर या अपनी लाइफ के किसी भी और स्फीयर पर फोकस ही नहीं कर पाता हूँ। नहीं खोना चाहता हूँ मैं तुम्हें, जीना चाहता हूँ ये जिंदगी मैं तुम्हारे साथ। गलती हुई है मुझसे, बट मुझे पता है कि तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत समझदार हो। मेरी समझ पर तो पत्थर ही पड़ गए हैं, मुझे तो अपनी लाइफ की एक भी सिचुएशन समझ नहीं आती है। जिंदगी में पहले एक्शंस लेना ना मेरे लिए बहुत आसान हुआ करता था, मैं जो सोच लेता था मैं वैसे ही कर लेता था। लेकिन अब पता नहीं किस्मत ने मेरा साथ देना बंद कर दिया है कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ उसके ऑपोजिट ही चीजें होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो पूरी दुनिया में मुझे कोई भी समझने वाला है ही नहीं। तुमसे एक्सपेक्ट मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अपना 100% इस रिलेशनशिप में दिया और तुम भी मेरे साथ जीना चाहते। ये कोई प्रैक्टिकल डील नहीं है, तुमने दिल से मुझे चाहा है, तुमने दिल से मुझसे मोहब्बत की है, और अब तुम्हें मेरे एक्शन से खुद पर शक होने लगा है, तुम्हें अपनी चॉइस पर शक होने लगा है। मैं जानता हूं ये बात, और किसी को भी होगा, क्योंकि जो इंसान किसी को प्यार करता है वो किसी को इस तरह से दर्द नहीं दे सकता। ये एक नॉर्मल बात है जो हर इंसान के मन में आएगी, लेकिन क्या सच में मैंने तुम्हें दर्द दिया है? क्या सच में मैं ही गलत हूं? इस बारे में एक बार विचार करके देखूं। जो प्रॉमिसेस मैं तुमसे किया करता था, क्या तुम्हें लगता है कि वो प्रॉमिसेस झूठे थे? क्या मैं उन प्रॉमिसेस को निभाना नहीं चाहता था?
तुम्हें तो कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि मैंने तुम्हें यूज किया है। मैंने तुम्हें यूज नहीं किया है, बल्कि मेरी जिंदगी एग्जॉस्ट हो रही है और एक गलत ट्रैक पर हूं मैं जिंदगी के। इसे ठीक कैसे करना है, रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। तभी तो तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो तुम ही मेरी मदद कर दो। आखिर हूं तो तुम्हारा ही। तुम चाहे दुनिया को जो मर्जी कहती रहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये मोहब्बत तुम मुझसे मरते दम तक करोगे। तुम अगर किसी पर्सन के साथ जुड़ भी गई ना, तो उस पर्सन में तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे। मैं ये बात जानता हूं और मैं ये बात समझता भी हूं, क्योंकि किसी को इतनी इंटेंसली चाहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन तुमने मुझे पूरे दिल से चाहा है और मैं ईश्वर को भी इस चीज के लिए आजकल थैंक यू बोलता हूं कि तुम जैसा पार्टनर ईश्वर ने मुझे दिया। लेकिन बेवकूफ तो मैं ही हूं जो मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया। इंसान की कद्र तभी होती है जब वो इंसान किसी कारण से हमसे दूर हो जाता है, और यही शायद इस रिश्ते में हुआ। अब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। पहले इस आई लव यू के इतने मायने नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जब भी मैं तुमसे ये आई लव यू कहूंगा ना सामने आकर, तो उसका मतलब यही होगा कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं एक सांस नहीं ले सकता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशियां नहीं आ सकती है। और आज मेरा दिल तुमसे ये कहता है कि आई लव यू। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं। मुझे छोड़कर आगे बढ़ने की कभी कोशिश मत करना। एक बार मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हारा हूं, तुम सिर्फ मेरी हो। जो प्यार तुम मुझे दे रही हो, ये प्यार तुम कभी और किसी को नहीं दे पाओगी। न तुम्हें मेरे जितना अब कोई और प्यार कर सकता है। सो अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर। मेरा साथ तुम्हें हमेशा के लिए मिलेगा। मैं इस चीज की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। बहुत डीप एनर्जीज है, बहुत ही इंटेंस एनर्जीज है। आइए अब हम जान लेते हैं कि ईश्वर आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। इंटेंसिटी इतनी है कि अभी तक भी कैंडल बुझी नहीं है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर को लेकर यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ मैसेजेस निकले। तो पहला है, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि लाइफ जो है ना, एक ऐसी सीरीज है जिसमें साइकिल्स चेंज होते जाते हैं। जब हम चेंजेस को रिजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लाइफ के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें अननेसेसरली स्ट्रेस होता है। जो कुछ आपके जीवन में हुआ, ये भी एक लाइफ का एक साइकिल था। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये साइकिल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। इस रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, तो आपके पार्टनर अभी उतनी फ्रीडम की एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही लिमिटेड एनर्जीज में है। वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप तो कम से कम फ्रीडम की एनर्जीज में हैं। आप तो अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकते हैं। आप अपने दिल से पूछें कि इस रिश्ते में अगर आप चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। आपका दिल आपको सही जवाब देगा। आपके दिल से आपकी आत्मा का संबंध होता है, ये गेट होता है जिससे आपकी सोल आपको आंसर देती है। तो अपने दिल की आवाज़ को सुनकर इस रिश्ते को लेकर फैसले बनाइए। इस रिश्ते में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है।
प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को आई लव यू कहना नहीं होता है। जब रिश्ते में बैलेंस डगमगाने लगे तो उस टाइम पर रिश्ते को संभालने की जिम्मेवारी दोनों की होती है। आज अगर आपके पार्टनर वो जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं तो कम से कम आपको तो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए। चैलेंजेस हैं लेकिन इस रिलेशनशिप को आप कंप्लीटली बैलेंस स्टेट में लेकर आ पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं बनने वाला है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते जाएंगे तो जीवन में सिर्फ अनहैप्पीनेस आएगी। एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। इस टाइम पर अगर आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या है, उस चीज़ को जानने की कोशिश करिए। और आपका प्यार आपको सही रास्ता दिखाएगा। इस प्यार पर गिवअप करना कायरता होगी। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।